Hi, good morning students. Today we present here to explain the long question of the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse by William C. Ryan. Long question is, you will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action. जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो इसमें ये पाते हैं कि कोई ऐसा एडवेंचर नहीं है कि हम सांस रोक कर उसके बारे में वेट करें या कोई एक्साइटिंग एक्शन नहीं है. देन वॉट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग. तो ऐसी कौन सी बात है जो इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाती है. आंसर, द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स डज नॉट हैव मच एडवेंचर एंड एक्शन. इस स्टोरी में कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस या एक्शन से भरपूर हो. येट इट इज़ ग्रिपिंग, लेकिन फिर भी ये हमें अपनी पकड़ में रखती है, यानी हम स्टोरी को लास्ट तक पढ़ते हैं. द इंटरेस्ट इन द स्टोरी इज़ मेंटेन्ड स्किलफुली. बहुत अच्छी तरह से इस स्टोरी में इंटरेस्ट को मेंटेन रखा गया है थ्रू ह्यूमरस कैरेक्टर्स एंड फनी सिचुएशंस. यानी इंटरेस्ट जो हमारा राइज होता है वो ऐसे कैरेक्टर्स इसमें हैं जिनसे बहुत हंसी आती है एंड फनी सिचुएशंस, और ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिससे पढ़कर हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं. मुराद एंड अंकल खुसरोव्स कैरेक्टर आर बेसिकली ह्यूमरस. अगर हम देखें तो मुराद का कैरेक्टर और अंकल खुसरो का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली सेंस ऑफ ह्यूमर से भरा हुआ है, यानी हम बहुत हंसते हैं इनके बारे में पढ़कर. खुसरो जो रिफ्रेन है, जब वो बार बार किसी बात को कहते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, अरे इस बात पर कोई ध्यान मत दो. जब भी कोई बात होती है, इवन एट ऑल टाइम्स इज क्वाइट अम्यूजिंग. तो जब भी किसी तरह की कोई इवेंट होती है, कोई बात होती है, कोई सिचुएशन होती है, हर बात में वो यही कहते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पर कोई ध्यान मत दो. तो ये बहुत अम्यूजिंग सेंटेंस है. द मोस्ट फनी सिचुएशन, और सबसे ज़्यादा हंसने वाली सिचुएशन हमारे सामने आती है, वो है द मीटिंग बिटवीन द बॉयज़ एंड द जॉन बैरो, द ओनर ऑफ द हॉर्स. जब उन बच्चों के बीच में, यानी अरम और मुराद के बीच और जॉन बैरो जो कि घोड़े का मालिक है, उनके बीच में जब मुलाकात होती है तो वो सिचुएशन सबसे ज़्यादा फनी लगती है. द स्टोरी अपील्स टू अस. इसकी स्टोरी हमें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है, बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट अ कंट्रास्ट. क्योंकि इसमें एक कंट्रास्ट हमें दिखाई देता है बिटवीन द ओल्ड वर्ल्ड बेस्ड ऑन वैल्यूज लाइक सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी. क्योंकि पुरानी दुनिया के, पुराने ज़माने के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, सादगी और ईमानदारी, एंड द न्यू वर्ल्ड इन विच, और वो नया जो ज़माना आता है, नया संसार होता है, उसमें न्यू जनरेशन की जो सोच होती है, ओल्ड वैल्यूज़ आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द न्यू. तो उनके जो कुछ अपने वैल्यूज़ होते हैं यंग जनरेशन के, वो पुराने की जगह ले लेते हैं. वी आर मेड टू रियलाइज, और हम इस बात को महसूस करते हैं, दैट देयर माइट कम अ टाइम. एक ऐसा टाइम आता है व्हेन द यंगस्टर्स, की युवा जो लड़के होते हैं यंग एज के, लाइक अरम एंड मुराद, वुड मूव अवे फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ द कम्युनिटी. तो उनके समाज में जो वैल्यूज़ होते हैं वो उससे कुछ आगे बढ़कर अपने खुद के वैल्यूज़ बना लेते हैं. ये बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है इस स्टोरी को.